देश की हालत बद से बदतर है। लगातार अपनों को खोने का खबर हमें हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड सुनाई दे रहा है। इस कड़ी में मैं देश की वर्तमान केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि आपको अब समय है जागने का। इलेक्शन कैंपेन आपको दिख रहा है बंगाल का, लेकिन देश की जनता का वो पेन नहीं दिख रहा है जिससे आज वो त्राही त्राही है। ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, बेड्स की कमी है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि अच्छे दिन चल रहा है। मोदी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको देश की जनता को लाइन में लगाने का इतना क्या शौक है। चाहे वो नोटबंदी के माध्यम से आपने लाइन लगवाया, और उसके बाद अभी जब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और साथ में बेड्स, उसके बाद इंजेक्शन, इन सब की कमियों को लेकर आज वो परिजन जिनके परिचित हॉस्पिटल्स में हैं, जिंदगी और मौत के बीच कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में लड़ रहे हैं, वो आज लाइनों में खड़े हैं। और सुबह 4 बजे खड़े होते हैं तो दोपहर के 4 बजे उन्हें एक इंजेक्शन मिलता है। ये स्थिति आज इस देश की निर्मातित हो गई है मोदी जी। लेकिन बंगाल में किस प्रकार का चुनावी वातावरण आप पेश कर रहे हैं, भारी रैलियां कर रहे हैं, और आज सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि चाहे वो कब्रिस्तान हो या शमशान घाट हो, वहां भी आज शवों को और चिताओं को जलाने के लिए लाइन पे लाइन लगी हुई है। हिंदुस्तान की स्थिति बहुत विकट है, बहुत ज्यादा गंभीर है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कुंभकर्ण की नींद पे सोई हुई सरकार से अपील, निवेदन, आग्रह करता हूं कि अब जागिए, उठिए और देखिए कि आपकी प्रजा किस तरीके से परेशान हाल है। कोरोना ने सबको चपेट में ले लिया है और हालात बहुत ज्यादा गंभीर है। मोदी जी, प्लीज उठ जाइए और देखिए कि आज ये देश की जनता आपकी, जिसने आपको बहुत विश्वास के साथ उस सत्ता में बैठाया था, आज इस कोरोना की सेकेंड वेव में त्राही त्राही कर रही है और मौत को गले लगा रही है।